तो लगातार जिस तरह से आपको हम खबरें दिखा रहे हैं कोरोना से लड़ाई को लेकर, किस तरह से लोग जागरूक हो रहे हैं, किस तरह से सरकार का साथ मिल रहा है लोगों का, एक तस्वीर वहां से देखने को मिली है। धनबाद से हमारे सहयोगी लेकर आए थे, एसएसपी से उन्होंने बातचीत की है और जाते जाते उन्होंने काफी अहम जानकारी दी कि उनकी वाइफ एज डॉक्टर लोगों की सेवा में लगी हुई है और एसएसपी साहब खुद जिला प्रशासन के काम को लेकर, पुलिस के काम को लेकर लोगों के बीच जागरूकता भी फैला रहे हैं और लोगों से उम्मीद भी कर रहे हैं कि उनका सहयोग जैसा आज मिला आगे भी मिलता रहे। राकेश हमारे सहयोगी भी हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। तो अलग अलग जिलों से तस्वीरें आ रही हैं, खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं और चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, पुलिस प्रशासन के लोग हो, मीडिया कर्मी हो, तमाम लोग जुटे हुए, तमाम लोग लगे हुए। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। राकेश, जिस तरह से आज जनता कर्फ्यू पे आपसे चर्चा हो रही थी और उसके बाद जो शाम में 5 बजे जो अद्भुत तस्वीरें पेश हुई हैं प्रधानमंत्री के आह्वान पर, जिस तरह से लोगों ने शुक्रिया अदा किया है उन तमाम लोगों का जो कोरोना फाइटर्स हैं, जो कोरोना के लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, एक उम्मीद की गई थी कि शाम होने के बाद हलचल बढ़ेगी मगर वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 9 बजे तक और जो झारखंड सरकार ने सारी रात जनता कर्फ्यू की बात कही है उसको लोग अमल करने वाले हैं। बिल्कुल सारिफ, क्योंकि अब अगर आप अभी के नज़ारे को अगर हम कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाए तो कमोबेश वही तस्वीर आपको नज़र आएगा शारिफ, जो वक्त सुबह का था। इक्के दिक्के गाड़ियां सुबह में भी सड़कों पर थी और कमोबेश वही स्थिति अभी भी है। तो आप कह सकते हैं कि जनता के सहयोग से जिस बड़ी लड़ाई को लड़ने की बात प्रधानमंत्री ने कही है उस पर झारखंड के जो लोग हैं, रांची के जो लोग हैं, राजधानी के जो लोग हैं वो बिल्कुल अमल करते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि जो तस्वीर सुबह के वक्त हमने दिखाई थी कमोबेश उसी तरीके की तस्वीर अभी भी है। लोग घरों में ही कैद हैं और लोगों को पता है कि उनके एक पॉजिटिव अप्रोच से चीजें जो है वो बिल्कुल सही दिशा में जा सकती हैं। तो यही वजह है कि प्रधानमंत्री के उस आह्वान का लोगों ने जोरदार स्वागत किया और आपने देखा होगा शारिफ की शाम 5 बजे जबरदस्त नजारा, शानदार नजारा देखने को मिला था। तमाम लोग अपने घरों की खिड़कियों से या फिर बालकनी से या फिर छत पर जबरदस्त कोरोना फाइटर्स के उन लोगों के प्रति जो उन्होंने अपना अभिवादन दिखाया है तो एक जबरदस्त उत्साहवर्धक सीन था। और उससे जाहिर तौर पर जो इस लड़ाई में जो लोग शामिल है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे हम जैसे मीडिया कर्मी हो, तो उनके लिए एक उत्साहवर्धक वो एक एटमोस्फियर रहा, वो एक क्षण रहा और उससे कहीं ना कहीं एनर्जी मिलती है। तो जो राजधानी के जो लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं और यही वजह है कि तस्वीरें बहुत बदली नहीं है। आमतौर पर लग रहा था, हम आपस में इस बात को लेकर डिस्कस भी कर रहे थे कि शाम होगा तो शायद लोग घरों से निकलेंगे और थोड़ी चहल पहल होगी, लेकिन वो नज़ारा नहीं दिख रहा है सारिफ। यानी घर बिल्कुल जो सेल्फ आइसोलेशन की बात कही गई थी कि लोग घरों में रहे, अपने आप को डिटेन करें, अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें, तो वो नज़ारा राजधानी की सड़कों पर सुबह से लेकर अभी तक की जो स्थिति है उसमें नज़र आ रहा है। जिला प्रशासन भी बिल्कुल मुस्तैद नज़र आया और अब चूंकि सरकार के तरफ से, स्थानीय प्रशासन के तरफ से यह फैसला लिया गया है कि ये जो 14 घंटे का जो जनता कर्फ्यू था उसे सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए। यानी कि जो लोग ये सोच रहे थे कि 9 बजे के बाद घरों से निकलेंगे, थोड़े लोगों से मुलाकात होगी, तो उस पर भी एक तरीके से स्थानीय प्रशासन ने विराम लगा दिया है। लोगों से ये निवेदन किया है कि आप पूरी तरीके से आज की जो पूरी रात है वो घर में ही बिताइए, यानी सुबह 5 बजे तक घर में ही रहने की हिदायत दी गई है और उसका लोग बखूबी पालन भी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो चीजें हो रही है, ये जो जनता कर्फ्यू है, ये दरअसल केयर फॉर यू वो है और वो इस बात को लोग समझ रहे हैं। यही वजह है कि लोग प्रधानमंत्री को आह्वान से लेकर जिला प्रशासन हो या स्थानीय सरकार हो, उनके जो फैसले हैं उसका वो स्वागत करते नजर आ रहे हैं शारिफ। राकेश, जिस तरह से आज जो पॉजिटिव साइंस देखने को मिले हैं, हालांकि ये सवाल हम अपने दूसरे जो सहयोगी हैं प्रभात से भी हम जुड़े थे, धनबाद भी हम जुड़े थे, हमने ये सवाल पूछा है, आपसे भी इसका जवाब हम चाहेंगे राकेश। हालांकि ऊपर वाला ना करे, हम बार बार ये कह रहे हैं ऊपर वाला ना करे कि ऐसी परिस्थितियां हो कि लॉकडाउन की आवश्यकता सरकार को महसूस हो, अगर ऐसा होता है तो जो साइन आज झारखंड के वासियों ने पेश किए, राजधानी वासियों ने पेश किए, लगता है कि उस पहल को भी बहुत सहजता से, बहुत पॉजिटिवली स्वीकार करेंगे और कोई समस्या नहीं होने वाली अगर लॉकडाउन की व्यवस्था की जाती है तो।
ये देखिए, अगर वैसे सरकमस्टांसेस आते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो दूसरे बड़े शहरें हैं वहाँ इस तरह की स्थिति आ गई है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं, तो इस वजह से चाहे दिल्ली हो वो भी लॉकडाउन एक तरीके से पूरी तरीके से हो चुका है, महाराष्ट्र में भी कमोबेश वही स्थिति है। तो अगर वैसी स्थिति आती है तो लोग यहाँ जागरूक हैं, यहाँ की जनता को पता है कि चीज़ें उनके हक में ही है, जो भी फैसला लिया जा रहा है उनके बचाव के लिए लिया जा रहा है, एक प्रिकॉशन मेजर्स के तहत ये सारी चीज़ें ली जा रही हैं। और जब जो खबरें बिहार से निकल कर आई है सारी, वो जाहिर तौर पर थोड़ा डराने वाला है। अब झारखंड के लिए एक सतर्कता का एक साइन है कि अब यहाँ से आप सतर्क हो जाइए, यहाँ से चीज़ें जो है वो बिगड़ सकती हैं, क्योंकि पड़ोसी राज्य है आपका और वहाँ एक पॉजिटिव केस आ चुका है, एक महिला की इस महामारी की वजह से मौत हो चुकी है। तो एक जो मैसेज वहाँ से निकल कर आया है जाहिर तौर पर सरकार के लिए एक जो वेकअप कॉल आप कह सकते हैं, वो वेकअप कॉल है। हालांकि सरकार ने अपने तरीके से जो मेजर्स होते हैं उनको वो जरूर फॉलो कर रही है, हर प्रोसेस मेजर्स किए जा रहे हैं, जो आम आवाम को राहत चके, चाहे अंतर्राज्य बस के परिचालन को रोकने की बात हो या ट्रेनों के परिचालन रोकने की बात हो, तमाम तरह के मेजर्स किए जा रहे हैं, तमाम तरह के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं, ताकि जो गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं या दूसरी जो एजेंसियां हैं उन कतरों का आयोजन कर रही है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो लोगों के बीच में जरूर आया है इस पे, अगर आप उस दिनों के घटनाक्रम को देख तो लोगों को पता है कि चीजें बिगड़ती है, तो और उस हाथ में अगर इस स्थिति आती है कि बिगड़ना पड़े तो उनके हित और मुझे लगता है कि जो झारखंड के सब तीन जो लोग हैं उनको पता है कि चीजें उनकी लीक की जा रही है, उस सहजता से इन चीजों को स्वीकार कर लेंगे। हालांकि मुस्कुराहट जरूर आएगी माहौल, लेकिन अंत पर जो फैसला होगा वो में होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पैनिक शायद ना हो यहाँ स्थिति। प्रधानमंत्री ने कहा जनता जो मतलब वो समझा रहे थे जनता के लिए, तो आगे ऊपर वाला ना करें ऐसी परिस्थितियां पैदा हो, अगर होती है तो शायद बहुत सकारात्मक तरीके से जनता का सहयोग प्रशासन को और सरकार को मिलेगा। आपका बेहद शुक्रिया राकेश, तमाम बातचीत और तमाम जानकारियों के लिए।